रक्षाबंधन की तारीख को लेकर आपको भी है कंफ्यूजन, 30 या 31 किस दिन रक्षाबंधन मनाना रहेगा उत्तम, कब से कब तक रहेगा भद्रा काल, जाने राखी बांधने की सही तारीख और सर्वोत्तम मुहूर्त। ओम गणपति नमः। रक्षाबंधन का त्योहार सावन की पूर्णमासी के दिन मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 30 अगस्त को पड़ रही है। परंतु जैसे ही पूर्णमासी लग रही है, तुरंत ही भद्रा भी आ जा रही है। और भद्रा के समय कभी भी रक्षा सूत्र यानी कि रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जाता। भद्रा जो होती है तीन तरीके की होती है, एक स्वर्ग लोक की भद्रा होती है, एक पाताल लोक की होती है और एक धरा यानी कि पृथ्वी लोक की होती है। जब भद्रा स्वर्ग लोक की या पाताल लोक की होती है तब रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है, परंतु अगर भद्रा पृथ्वी लोक की है तो उस समय रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता। अब ये कैसे जानेंगे कि भद्रा कौन सी है? अगर भद्रा मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि या वृश्चिक राशि में पड़ रही होती है तो भद्रा स्वर्ग लोक की होती है, उसमें रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। अगर भद्रा कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि या धनु राशि में होती है तब भद्रा पाताल लोक की होती है, उसमें भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा सकता है। परंतु भद्रा अगर कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में पड़ रही हो तब भद्रा धरती लोक की होती है यानी कि धरा की होती है, उसमें रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाया जा सकता। और इस वर्ष जो भद्रा पड़ रही है वो कुंभ राशि में पड़ रही है यानी कि धरा की, धरती की, इसलिए इस वर्ष रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा के समय नहीं मनाया जा सकता। जो भद्रा है वो खत्म हो रही है रात के 9:02 पे, तो रात के 9:02 से लेके रात के 11:30 के अंदर आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, नहीं तो अगले दिन 31 की मॉर्निंग सूर्योदय के बाद से लेके 7:15 के अंदर रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि 7:15 तक पूर्णमासी रहेगी। परंतु उदया तिथि पे 31 को हमें पूर्णमासी मिल रही है, इसके 31 को हम संपूर्ण दिन भी रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। परंतु अगर किसी के मन में इस तरीके का विचार है कि पूर्णमासी खत्म हो जा रही है और वो अपने भाई को राखी बांधने भी नहीं 7:15 के पहले जा पा रही है, तो वह जातक यदि सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के शिव जी को, विष्णु जी को, कृष्ण जी को, गणेश जी को या रामचंद्र जी को रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांध देता है, तो वह व्यक्ति संपूर्ण दिन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकता है, क्योंकि आपने अपने परम पिता को सबसे पहले राखी बांध दी, तो उसके बाद आप संपूर्ण दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। नमस्कार।